कई इलाकों में अभी ये काम शुरू नहीं हो पाया है। जहां जिन किसानों को प्रथम फेज में अफीम लाइसेंस मिल गया था, उन अफीम उत्पादक किसानों की अफीम फसल में लुआई चिराई का काम शुरू हो गया है और वहीं एक हफ्ते के भीतर सभी अफीम किसान लुआई चिराई का कार्य शुरू कर देंगे और अफीम में चीरों का कार्य खत्म होने के बाद ये अफीम सरकार को सौंप दी जाएगी। किसान हर वक्त इस दिन का इंतजार करता है और मन्नतें करता है, जिस वजह से ये दिन किसानों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जी हां, और आज ये कार्य मां कालका के पूजा के बाद शुरू हो चुका है। कई क्षेत्रों से हमारे पास ये खबरें आ रही हैं और वहीं बात करें तो दूसरी तरफ बात इसमें अब भी कुछ किसान सीपीएस पद्धति को लेकर नाराज है। जी हाँ, अभी तक सरकार की तरफ से सीपीएस पद्धति के तहत गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, जिसके बाद किसानों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, देखिए खास रिपोर्ट। नीमच केंद्र नारकोटिक्स ब्यूरो ने इस बार वित्त मंत्रालय की नई नीति के तहत नीमच, मंदसौर और रतलाम जिले में अफीम खेती करने वाले 3032 किसानों को सामान्य पद्धति से पट्टे दिए। वहीं विदेशों में होने वाली अफीम खेती की तर्ज पर नई सीपेस पद्धति से 6-6 आरी के 6594 पट्टे जारी किए। खेतों में फसल में सफेद फूल आने के साथ अब डोडे का आकार लेने लगे हैं। वहीं कुछ पुरानी पद्धति वाले किसानों ने डोडा में चीरा लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। सीपीएस पद्धति वाले किसानों के खेतों से विभाग या निजी कंपनी डोडे लेकर जाएगी, जो मशीन से अफीम निकालकर पोस्ता किसानों को देगी। फसल तैयार होने को है, लेकिन वित्त मंत्रालय ने सीपीएस पद्धति से अफीम लेने की गाइडलाइन जारी नहीं की है। इसके कारण तीनों जिले के किसान परेशान है। मौसम में बदलाव आने लगा है, तेज गर्मी से डोडे सूखने लगेंगे। जल्द ही गाइडलाइन नहीं आई तो डोडो से अफीम बराबर नहीं निकलेगी, इससे किसानों को पट्टे कटने का डर सताने लगेगा। काले सोने के नाम से पहचान बना चुकी अफीम फसल खेतों में तैयार हो रही है। नीमच, मंदसौर और रतलाम जिले में कुल 2,850.20 हेक्टेयर में किसान अफीम की खेती कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय की नई नीति के तहत 3 साल बाद रकबा बढ़ा है। वर्तमान में सफेद फूल डोडे का आकार लेने लगे हैं। डोडे बड़े होने पर इनमें 1-5 चीरे लगाकर अफीम संग्रहण की जाएगी। वहीं अप्रैल अंत में विभाग अफीम का तोल शुरू करेगा। केंद्र सरकार ने अफीम व डोडा चूरा तस्करी रोकने के लिए इस बार सीपीएस पद्धति को लागू किया है। इसके तहत तीनों जिले में चयनित किसानों को पट्टे जारी किए। इसमें किसान खेत में बीज बोने से लेकर फसल तैयार होने तक रखवाली कर रहा है, उसे डोडे में चीरा लगाने का अधिकार नहीं दिया। ये डोडे विभाग या निजी कंपनी काट कर ले जाएगी, जो मशीन द्वारा डोडो से अफीम निकालेंगे और सिर्फ पोस्ता किसानों को दिया जाएगा। इसकी गाइडलाइन इस माह के अंत तक विभाग को मिलने की संभावना है। नई पद्धति से खेती करने वाले किसानों को नुकसान का अंदेशा है, इस कारण इसका विरोध हो रहा है। पिछले दिनों किसानों ने न्याय यात्रा निकालकर सीपीएस पद्धति को खत्म कर पुरानी पद्धति से डोडो में चीरा लगाने की मांग करते हुए ज्ञापन भी सौंपा था। तो ये था आप तक का अपडेट। लगातार हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए बने हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर। शुक्रिया।